नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें आईएफसी नॉलेज यूट्यूब चैनल को और हर वीडियो की तुरंत जानकारी के लिए बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों, अगर आप सोना चांदी में निवेश करना चाहते हैं या फिर सोने चांदी के गहने बनवाना चाहते हैं तो आपको हर रोज के सोना और चांदी के भाव की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोस्तों सोना और चांदी के भाव में हर रोज उतार चढ़ाव आता रहता है। इसलिए अगर आपको सोने और चांदी के भाव की जानकारी होगी तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज के सोना और चांदी के भाव बताने जा रहे हैं। दोस्तों, नए साल के पहले दिन दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपए की बढ़त के साथ 32,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों, औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की मांग बढ़ने से चांदी भी 150 रुपए की बढ़त के साथ 39,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दोस्तों, सराफा कारोबारियों ने कहा है कि मांग बढ़ने से बहुमूल्य धातुओं में तेजी आई है। दोस्तों, बात करते हैं वैश्विक स्तर की, तो वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना $1,282.17 प्रति औंस, वहीं दोस्तों चांदी $15.44 प्रति औंस पर पहुंच गई। दोस्तों, बात करते हैं दिल्ली के सराफा बाजार की, तो दोस्तों दिल्ली के सराफा बाजार में 99.9% और 99.5% शुद्धता वाला सोना क्रमशः 200-200 रुपए की बढ़त के साथ 32,470 रुपए और 32,320 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों 8 ग्राम वाली गिन्नी का भाव 25,200 रुपए के पूर्व स्तर पर कायम रहा है। दोस्तों, चांदी हाजिर 150 रुपए की बढ़त के साथ 39,250 रुपए प्रति किलोग्राम तथा साप्ताहिक डिलीवरी वाली चांदी 25 रुपए के लाभ के साथ 38,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अब दोस्तों बारी आती है चांदी सिक्का की, तो दोस्तों आपको बता देते हैं सिक्का लीवाल 76,000 रुपए और सिक्का बिकवाल 77,000 रुपए प्रति सैकड़ा के पूर्व स्तर पर कायम है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक राय मांगना चाहते हैं, आपके अनुसार सोना चांदी में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित होता है या फिर प्रॉपर्टी में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित होता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों यही हमारा इनाम है, और फेसबुक व्हाट्सएप इत्यादि पर शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों, इसी तरह की काम की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।